हमारी ड्रीम बाइक। उठा बता कौन सी है? इंजन में क्या ही मेजर काम होगा जब चली 13,000 है तो। गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और अभी आज हम जा रहे हैं, बस बताओ कहाँ जा रहे हैं, बताओ। आज हम जा रहे हैं कौन सा ऑटोमोबाइल है जगदम्बा। तो हम जा रहे हैं बाइक देखने, मेडिवेयर लेने वाले हैं बाइक। तो हमारा बजट है 4-5 लाख तक की बाइक लेने का, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं कि कोई महंगी बाइक 5 लाख तक मिल जाए। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि नई लेने से अच्छा है क्या पता नई उस बजट में हमें कोई अच्छी बाइक मिल जाए, हार्ले वगैरह मिल जाए तो सही है। देखते हैं वहाँ पे कोई बाइक पसंद आई उन्हें तो आज ही ले लेंगे, वरना फिर वो लेंगे जीटी या फिर मिटियो, सुपर मिटियो 650 जो आई है। तो इसलिए एक बार पहले देख रहे हैं कि सेकंड हैंड बाइक भी अच्छी मिल जाए उस रेट तक, तो उससे भी ले सकते। तो भाई हम निकल चुके हैं लक्ष्मण नगर के लिए, वहीं पर है जहाँ से हम वो देखने जा रहे हैं बाइक्स वगैरह। भैया कौन से देखने जा रहा हूँ सही से बताओ। यार मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे मैं सोच रहा हूँ हार्ले लूँ या फिर कोई रॉयल एनफील्ड की जैसे जीटी कॉन्टिनेंटल है। मिटियोर भी देख सकता हूँ। तो मतलब ये है भैया स्पोर्ट बाइक जो टीवीएस की, ये है कि 5 लाख तक का बजट है, उसमें अगर हमें अच्छी ये मिल गई कोई सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड भी ले लेंगे, वरना फिर सुपर मिटियोर तो है ही जहाँ तक है, सुपर मिटियोर या फिर जीटी कॉन्टिनेंटल तो वो न्यू ही ले आएंगे। हाँ तो देखते हैं वहाँ जाके। वैसे तो अच्छी अच्छी डली हुई है, मैंने उनकी साइट पे जाके देखा तो बहुत बड़ी बड़ी बाइक डल रही है, बाद में वहाँ जाके दिखाते हैं कौन कौन सी अवेलेबल क्या है। It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all, 'cause when I'm with you. तो भाई हम अक्षरधाम पहुंच गए हैं, और यहाँ से कितना दूर है रास्ता? 13 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, 3.5 पहुंचने वाले हैं। बाइक वाला है कहीं? गाड़ी चल रही है ये तो सारा। अबे मोड़ के बाहर खड़ी कर दे, पैदल चलेंगे। बाहर कहाँ खड़ी कर? भाई पहुंच गए हम जगदम्बा सुपर बाइक। अब यहाँ से देखेंगे कौन कौन सी बाइक खड़ी है। भाई देख रहे हो यहाँ हार्ले डेविडसन खड़ी है, ये रही हमारी ड्रीम बाइक जो एक दिन लेंगे हम जरूर। यहाँ पे तो भाई तो ऐसे कौन सी पसंद आ गई? अरे यू ना लग दी तुम्हें, मुझे भैया तुम पहले अपना बजट बताओ। बजट की बात नहीं, पहले इनसे पूछ लेते हैं ना यार, देखा जाएगा। अच्छा किस रेंज में दोनों बाइक खड़ी है? 4 लाख सुपर लो है ना? सुपर लो है, एक दिल्ली नंबर है, एक यूपी नंबर है, मॉडल 2013। दोनों ऐसा कैसे आती है? दोनों सेम मॉडल की वो पहले आई है, ये बात नहीं है, अभी एक दो दिन पहले आई 009 और ये आई नंबर है। यार ये ऊंची लग रही है ना, वो बैकरेस्ट और सीट कैसे दी है वाली? ये 2018 मॉडल है। स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट बॉब कौन सी है? वो स्ट्रीट रॉड स्किलिंग है। 4,10,000 ये भी लोडेड है पूरी। फर्स्ट ओनर है, स्ट्रीमिंग एग्जॉस्ट है, ग्रिप्स है, इंजन गार्ड है, लेवल है। ये तुम कह रहे हैं अच्छी ना लगती, अच्छी लगती ये भी ठीक लग रही है, इतनी बुरी लग। 750 है, 750 है, छोटी लग रही है, ना लगे मैटर करती है ना, तो कितने हमारे कितने, वैसे देखना प्यारी ना लगे, छोटे पे ठीक लगेगी, ये मुझे भी अच्छी नहीं लगे। वो वाली हुई ब्लैक वाली। अच्छा ब्लैक में ये वाली कितने की है भाई? 5.5 लाख। ये मॉडल 16 है। ये वाली बताओ तुम, हार्ले 88 थे कौन सी? आयरन 1200। ये मॉडल कौन सा? 2017। सिंगल ओनर, 5,500 किलोमीटर चलेगी पूरी लोडेड। कौन सी वाली, कौन सी, कितने की बताए? 7,500। ये थी उस पर सचिन पर, यही थी वाली, यही है। अरे ये उसने पूरा वो करा रखा था, पेंट वगैरह और हैंडल बार चेंज करा रखा। इसका वो प्राइस क्या भाई जो आता है? नहीं नहीं नहीं, वो अपना दोस्त गाजियाबाद से। गाजियाबाद से दोनों ठीक है, पर पुरानी है ज्यादा। उठा बता कौन सी है? तलब उठ रही है अभी, हाथ ना उठ रहे लेने के लिए। अगर सही से चले तो सही चलाते हैं, हम पते चलाने वाले हैं भैया। इसमें टेस्ट चलाने का, स्पीड चलाने का मसला नहीं है। इसमें होता है गियर्स का मसला, ऐसा कार्स होती है ये तो पेंटेड है शायद। सेकंड गियर में गाड़ी को उठाते हैं तो क्लच जला देती है ना, वैसे ही नहीं होता। अब सेकंड गियर में क्या होगा, गाड़ी फर्स्ट करने लगेगी। कार ही ओरिजिनल पेंट होंगे है ना, रिव्यू देख सकते हो आप। कितने की थी ये वाली? 4 लाख। ट्रिपल जीरो नौ और कितने साल और चलेंगे? 4 साल 5 साल चलाएंगे इस पर। 6 महीने आपका शौक है? नहीं हमारा नहीं चलता, पता नहीं आता क्या। अब ना वो चला देंगे तो चला देंगे, मतलब इनमें ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत है? काम तो नहीं मांगेगी ना कुछ? कंपनी चेक करा सकते हो? अच्छा, क्योंकि ये भाई अब देखो महंगी बाइक है और हम लेके जाए अगर काम निकल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम। काम में महंगा निकलेगा ना भाई, आप हमें सेटिस्फेक्शन पहले दे दो ना। तो अगर अमाउंट तो गाड़ी में लोड करा रही कंपनी, भेजना कंपनी, अगर कहते हैं गाड़ी एक्सीडेंटल है
या फिर इंजन में मेजर काम है तो आपका टोटल अमाउंट डिपेंड होगा। अगर कंपनी कहती है कि इंडिकेटर कोई नहीं चलना वो तो हम खुद करा लेंगे, कंपनी वाले अगर बोलेंगे कोई नहीं बोलता इधर ब्रेक पैड करना पड़ेगा, ये तो छोटे मोटे वेरिएंट्स हैं। इंजन में क्या ही मेजर काम होगा जब चली 13,000 है तो इनमें नहीं होगा, इंजन में 2 लाख किलोमीटर आराम से चलती है, कुछ नहीं होता इनमें काम के हम सोचेंगे इंजन बनने का होगा। सबसे इजी चीज ये सोचो कि पूरा कार का इंजन दिया हुआ है, एक कार 1000 cc की जो होती है वो 1.25 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है, 1.5 लाख किलोमीटर भी चल जाती है, तो फिर भी बाइक का वजन लेके कार का इंजन चल रहा है क्या ही बना इसमें। बैठ के देखो जरा सीधी मत करो आगे, मतलब बार पड़ो ये बढ़िया भैया बढ़िया लग रही है यार, ऐसा तो कुछ ना कि अच्छी नहीं लग रही वो, अगर तुम ऐसे बैठे हो तो छोटी लग रही है, जब बार पे जा रहे हो ना झुक रहे हो तो नॉर्मल। अब लग रही है मस्त एकदम, रुक जाओ अभी खिंच गए। कौन सा मॉडल है? अगर मुझे टूरिंग ना करनी होती ना इसे ले लेते, बोलो चीज तो बढ़िया भाई। भाई अब यहाँ से निकल चुके हैं हम और देख लिए बाइक वगैरह, अभी 3 पसंद आई हैं। कौन कौन से है भाई तुम पसंद? भाई हमें तो वही रोडस्टर थी, दो एक दो तो 750 थी और एक थी भाई वो बाइक तो अच्छी थी पर मॉडल बहुत ओल्ड है, तो घर जाके डिस्कस करते हैं कि यही लेनी है फिर नई सुपर मीटियोर वगैरह ले लें, क्योंकि पावर तो उनमें भी अच्छी है और ये हाई मेंटेनेंस भी होती है। हाई मेंटेनेंस है पार्किंग में तो चलना रास्ता ना है इधर से रास्ता रोक ले। अरे रोक ले चकेर रोक ले, यहाँ से मोड़ दिखा रहा है इधर ही, अरे है रास्ता ही उन्होंने बंद कर रखा है। भाई स्टिंग विस्टिंग ले ली है, जो भूख लग रही बहुत तेज निकली है, लो ये एक ले लो। फिर तो फिर पतला वो बहुत छोटा सा लगेगा। हाँ लगा तो भाई ये बंदा नहीं खा रहा है क्योंकि ये है भूखा है 2 दिन से डाइटिंग ना, भूखा 2 दिन से। तो भाई अब आ गए हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम, भैया अब लेंगे सुपर मीटियोर की टेस्ट ड्राइव, एक बार इसे भी देख लेते हैं। ठीक है लगा रहा हूँ भाई, अब रॉयल एनफील्ड से जा रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं हमने देख ली मीटियोर पर हमें टेस्ट ड्राइव नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है और इसकी इतनी शॉर्टेज चल रही है, 8 महीने की वेटिंग है, इतनी तो गाड़ी की भी नहीं हो रही, तो मेन दिक्कत वो यही आ रही है। बिल्कुल 8 महीने कौन वेट कर पाएगा, मतलब इन्होंने ये बताया अगर हम थोड़ा जल्दी भी करेंगे तो 4 से 5 महीने तो लगने ही लगने हैं। 4-5 महीने एक बाइक के लिए वेट कर रहे, तुम्हें तो सही नहीं लग रहा भाई। इसे टूटू को छोड़ो, हमने बाइक देख लिया और फाइनल हुई है कि मीटियोर ही लेंगे, मीटियोर 650। बस अब जुगाड़ लगाते हैं कि वो जो 8 महीने की वेटिंग है वो हमें 1 महीने या 15-20 दिन में मिल जाए कैसे, तो उसके पीछे लग रहे हैं, सोर्स लगाई है एक दो और सचिन भी बात कर रहा है और जहाँ तक है हो ही जाएगी, मिल ही जाएगी, तो सुपर मीटियोर फाइनल कर दिया और बहुत जल्द उसे लेने वाले हैं। तो बस ब्लॉग को करते हैं एंड, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।